हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमर और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर का नाम है नेस्ट इक्वेशन, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है। अब देखें, आज हम लोग थोड़ा नेस्ट के बारे में, थोड़ा जो इक्वेशन है उसके बारे में एक बेसिक बातें कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो नेस्ट थे वो एक जर्मन फिजिस्ट थे, यानी कि वो फिजिक्स पे उनकी रिसर्च चल रही थी। उन्होंने ये एक इक्वेशन दिया था, उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और रिएक्शन कोटेंट होता है उसी का एक रिलेशन बनाकर एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया था। इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्ट इक्वेशन। देखिए, जो आपका पूरा लेक्चर का जो नोट्स होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग बात समझ लें। देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने ये किसके लिए कैलकुलेट किया था, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। अब देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर इस इक्वेशन की ज़रूरत क्यों हुई? देखें, जो ये इक्वेशन है वो नॉन स्टैंडर्ड के लिए है। किसके लिए है? नॉन स्टैंडर्ड के लिए। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नेस्ट का इक्वेशन यूज़ करते हैं। अब देखें, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, तो उससे अच्छा है कि हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। जब स्टैंडर्ड कंडीशन हमको मालूम होगी तो हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन अपने आप समझ जाएंगे। देखें, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है जिसमें, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन, देखें, कंसंट्रेशन जो होती है वो 1M होती है, टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन होता है, और जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। अगर इस चीज़ को फॉलो करके किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पीछे पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि उसको हम लोग E इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही पढ़े थे। एक और फार्मूला हम लोगों ने देखा था, ई नॉट हायर अपॉन लोअर माइनस, ये कैथोड पर था, ई नॉट हायर अपॉन लोअर ऑफ एनोड। देखिए, ये दो फार्मूला पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि गिवन होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल हर एक मेटल का फिक्स होता है, एक इलेक्ट्रोड का फिक्स होता है, जबकि नॉन स्टैंडर्ड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। उसी को हम लोगों को निकालने के लिए नेस्ट का जो इक्वेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। नेस्ट इक्वेशन को दो पार्ट में समझ लेते हैं, दो पार्ट करके उस इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। पहला कर लेते हैं हाफ सेल के लिए और दूसरा कर लेते हैं कंप्लीट सेल के लिए। देखें, हाफ सेल क्या होती है, या जिसमें हम लोग सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल निकालें या सिर्फ हम लोग क्या निकालें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें, तो वो एक एक का अलग निकालते हैं, तो वो हाफ सेल के लिए हुआ। अगर हम लोग कंप्लीट सेल के लिए निकालें तो वो कंप्लीट सेल के लिए हुआ। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं फॉर हाफ सेल। हाफ सेल में जैसे देखें, ये कोई रिएक्शन है, इसमें प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इन इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके इनका फॉर्मेशन किया, तो ये क्या हुआ? देखिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन रिएक्शन दी हुई है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग उसको हाफ सेल के फॉर्म में नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकालते हैं। देखें, उन्होंने जो रिलेशन दिया था, ई इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल है, एम प्लस एन अपान एम, यही है ना, माइनस, उन्होंने इक्वेशन दिया था आर टी अपान एन एफ ला बेस ई और कैपिटल क्यू। अब देखें, यहाँ पे समझ लेते हैं, यही इक्वेशन उन्होंने दिया था। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि हमको एक छोटा सा इक्वेशन मिल जाए जिससे फर्दर हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको काफ़ी आसानी हो, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ पे जो R है वो है गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस कांस्टेंट। जो T है वो है टेम्परेचर, जो N है वो क्या है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। और जो यहाँ पे एफ है इसको देखें, एफ ये फैराडे कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू, अभी वैल्यू हम सबकी लिख देते हैं, पहले पहले समझ लें, यहाँ पे जो क्यू है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन क्यूटेंट, ठीक है ना। अब देखें इन सब एक एक को हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो आगे इक्वेशन में रखेंगे उसको समझ लेते हैं। देखिए जो फैराडे कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 96487, ये इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्ट। जबकि हमको इसकी वैल्यू अगर हम लोग राउंड अबाउट में करके ये वैल्यू रख लें 96500 अगर रख लें तो हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इन्वॉल्व होगा, टेम्परेचर हम लोग 298 केल्विन मान के चलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो R है वो गैस कांस्टेंट, और हम लोगों ने पिछले क्लास 11th में पढ़ा होगा जो गैस कांस्टेंट हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में निकालते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 के जूल पर केल्विन पर मोल, ये उसकी वैल्यू होती है। अब इन सब को हम लोग आगे रख कर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो नया इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन हमारे जो न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगी। अब देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू होता है रिएक्शन क्यूटेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे लॉग बेस ई को हम लोग लॉग बेस 10 में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि लॉग बेस ई, अब जैसे जो बायोलॉजी फील्ड के होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि लॉग बेस ई और लॉग बेस 10 क्या है, तो लॉग बेस ई को मैं लॉग बेस 10 में चेंज कर दे रहा हूँ। लॉग बेस ई इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एक एक की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, देखें ई इक्वल टू ई नॉट, देखिए यहाँ पे ई नॉट लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, हम लोग नॉन स्टैंडर्ड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो है नॉट लग जाता है ये स्टैंडर्ड को डिनोट करता है, क्या है एम प्लस एन अपान एम, इसकी वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन होगी माइनस। अब यहाँ पे देखें आर की वैल्यू कितनी है, 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 298 अपान, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे तो देखें एन ई लिखा हुआ है तो उसको रहने देते हैं। एफ़ कितना है, मैंने कहा था कि 96500 रख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगी। अब देखिए लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.303 लॉग बेस 10, और क्यू का क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर से, वैल्यू थोड़ा बड़ी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आता है E इज इक्वल टू ई नॉट एम प्लस एन अपान एम माइनस 0.0591 अपान एन, यहाँ पे है। अब देखें यहाँ पे क्या बचा, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखें जो ये फार्मूला आया है यही फार्मूला होता है हाफ सेल के लिए नष्ट इक्वेशन का फार्मूला। अब देखें यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से तो आप लोगों को वैल्यू यही आएगी 0.0591, ठीक है ना। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अब देखें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, एम है, एम किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। अगर एम सॉलिड स्टेट में, यानी प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 रखी जाती है। अब यहाँ पे आयन की जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम लोग रख लेंगे और हमारा जो इक्वेशन होगा जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग फर्दर प्रोसीड करा देंगे। अब हम लोग कंप्लीट सेल के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए, कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट पहले कर दें, जैसे ये ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस कैपिटल डी। अब यहाँ पे इसका कोफिशियंट कोई होगा उसको भी लिख देते हैं स्मॉल सी स्मॉल डी, ये हो गया। अब हम लोगों को इसका नेक्स्ट इक्वेशन को लिखना है, जैसे हम लोगों ने पिछले हाफ सेल के लिए देखा था ठीक उसी तरीके से, क्या होगा ई इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा ई नॉट सेल,
और ई नॉट सेल कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? हम लोगों ने जो पिछला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए फार्मूला यूज़ किया था स्टैंडर्ड के लिए, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। माइनस आर टी अपॉन एन एफ और क्या था, लॉग बेस ई क्यू, यही था। अब इसकी हर एक एक की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.31 के 14 जूल पर केल्विन पर मोल, यही है। उसके बाद ये क्या है, आर गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 298 यानी 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो वो 298 हो जाता है, 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखें एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एफ क्या है, देखें एफ फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 96500, एग्जैक्ट वैल्यू पिछले देख लिए हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे लॉग बेस ई को हम लोग किस में चेंज करेंगे, लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। और क्यों का क्या है, रिएक्शन कोटेंट, इसको क्या होगा, पी अपान आर होगा ना। अब इन सब की वैल्यू को हम लोग फर्दर इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, देखें क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब देखें आर की वैल्यू कितनी है, 8.314 है, टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन है, एन की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, वो हर इक्वेशन के लिए अलग अलग होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में उसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। एफ क्या है, 96500 हो गया। अब यहाँ पे लॉग बेस ई की वैल्यू कितनी है, 2.303 लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 और ये क्यू इज इक्वल टू था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है ना, उसको लिख लेते हैं, क्या है सी कैपिटल डी, उसका कोफिशियंट ऊपर लिख देते हैं। और रिएक्टेंट क्या है, देखें रिएक्टेंट है ए बी, ये रिएक्टेंट है, ये इसका कोफिशियंट हो गया। अब ये जो फार्मूला बनेगा वही होगा नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। अब यहाँ पे देखें ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग सॉल्व करिए, कैलकुलेटर यूज़ करिए, देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी 0.591 अपॉन एन लॉग बेस 10 और क्या आएगा सी की कोफिशियंट, सी और डी का कोफिशियंट स्मॉल डी, और इसका कोफिशियंट क्या है देखें रिएक्टेंट में ए बी है ना। जो ये फार्मूला आया है ये होगा कंप्लीट सेल के लिए, क्या होगा कंप्लीट सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन का जो फार्मूला बना है। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसका एक अल्टरनेट जिसे नोट होता है ना कि कुछ एडिशनल पॉइंट इससे बन जाते हैं और उस पे सीबीएसई में या नीट में क्वेश्चन टच किया है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पर दिया है क्रोमियम का -0.72 वोल्ट और आयरन का दिया है रिडक्शन पोटेंशियल -0.42 वोल्ट। पूछा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ सेल, और जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, देखें अब इसमें व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ सेल, इसमें पोटेंशियल का पोटेंशियल निकालना है लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकालना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। और हम लोग जानते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के लिए पहले हम लोगों को स्टैंडर्ड कंडीशन पर, अभी इस पहले फार्मूला देख लें, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है। अब देखें फार्मूले में दिया है ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, देखें ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट हायर ऑक्सीडेशन नंबर अपॉन लोअर माइनस आपका थोड़ माइनस ई नॉट हायर अपॉन लोअर
ऑफ ए नोड, यही है। अब देखें ये हायर अपान लोअर क्या, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हम लोग वही जो फार्मूला पीछे देखे होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए नोड, फार्मूला वही है, बस ये थोड़ी अलग तरीके का है। अब देखें इसमें क्या दिया है, क्रोमियम दिया है, हमको मालूम करना है कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि ये हमेशा होता है एनोड रिएक्शन, और ये क्या होता है कैथोड रिएक्शन, है ना। अब देखें कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, हो रही है ना Fe प्लस टू से Fe, और गिवन क्या है Fe प्लस टू से, यानी हायर ऑक्सीडेशन नंबर अपान लोअर, ये जीरो है तो कितनी दी है, दी है माइनस 0.42 माइनस के साइन के साथ। अब देखें एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, और ये क्या दिया है हायर ऑक्सीडेशन नंबर यानी प्लस थ्री से जीरो दिया है, ये कितनी होगी माइनस 0.72 वोल्ट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.42 प्लस दोनों हो जाएंगे 0.72, आंसर आएगा प्लस 0.30 वोल्ट। ये आ गया क्या ई नॉट सेल, है ना, ये हमारा आ गया है ई नॉट सेल। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको सेल पोटेंशियल यूज़ करना है, और हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा फार्मूला, नेक्स्ट इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें ई सेल इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू, अब क्या वैल्यू आई है प्लस 0.3, है ना 0.3 माइनस 0.0591 अपान। अब देखो हमको एन कैलकुलेट करना है, एन के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेल कैसी है। देखिए सेल को बनाने के लिए यानी जो रिएक्शन है सेल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सेल बनाने के लिए, वो बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये इसको वन नंबर दीजिए, इसको टू नंबर, इसको वन नंबर, इसको टू नंबर। अब दे दीजिए वन वन को रिएक्टेंट साइड पर कर दें, वन वन क्या है सी आर प्लस एफ ई प्लस टू, टू टू को प्रोडक्ट साइड पे सी आर प्लस थ्री एफ ई। अब यहाँ पे देखें, अब देखें इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, अगर मैं यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर तीन से कर दूँ, यहाँ पर भी दो से कर दूँ, और यहाँ पर तीन से, देखें इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, या ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लें किसी भी मेथड से, ये क्लास इलेवेंथ में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो दो तिहाई छः, तीन दूनी छः हो गया, तो ये देखें इलेक्ट्रॉन बैलेंस है दोनों साइड, ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस से है, बात वही हो गई। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, सिक्स, देखें दो तिहाई छः हो गए ना, छः इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है पूरी रिएक्शन में, तो छः। अब देखिए यहाँ पर लॉग बेस टेन, अब बेस टेन के बाद हमको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की लिखनी है। अब देखें प्रोडक्ट में क्या क्या है, सी आर प्लस थ्री प्लस एफ ई है, एफ ई देखिए ये सॉलिड स्टेट में, आयन स्टेट में तो है नहीं, तो ये वन हो जाएगी, इसको हम लोग नहीं लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सी आर प्लस थ्री की कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.1, कितनी दी है 0.1 है, इसका कोफिशियंट क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2। अब यहाँ पे देखिए हमारा रिएक्टेंट में क्या है, देखें सेल में सी आर ये भी इसकी सॉलिड स्टेट में है, इसका क्या होगा 1। यहाँ पे देखें आयरन क्या है प्लस टू की स्टेट में है ना, आयरन के फॉर्म में है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.01, और इसका कोफिशियंट देखें कितना है 3 है। अब देखें जीरो पॉइंट थ्री जीरो माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग बेस 10, इसको हम लोग चेंज कर लें तो क्या होगा 10 की पावर माइनस 2 होगी, अगर ये 10 की पावर माइनस 1, दो से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 6, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, है ना, बात समझ आई। अब देखिए यहाँ पे 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग बेस 10, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, और ये फर्दर आगे आ जाएगा लॉग 10 की पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, ये आपने लॉग में पढ़ा होगा।
अब देखिए यहाँ पर 0.3 माइनस 0.0591/6 इंटू 4 और लॉग बेस 10 बचाना, लॉग बेस 10 इंटू 10 तो ये हो जाती है 1। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, अगर मैं इसको 0.06 कर दूँ राउंड अबाउट में, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो इसको मैं राउंड अबाउट कर लेता हूँ 0.06/6 इंटू 4। अब देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, 0.01 × 4। अब आंसर देख लीजिए हमारा आएगा ईसेल इज इक्वल टू 0.26 वोल्ट। आंसर आया, देख ले एक एक स्टेप को क्या करना है। पहले हम लोगों को ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, जो इस फार्मूले से करेंगे ई नॉट हायर अपॉन लोअर यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर हम लोग इसमें एन कैलकुलेट करेंगे। देखें रिएक्शन बैलेंस करके ही करना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम लोग रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन से हम लोग रिएक्शन बना लेते हैं। अब देखें जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है उससे हम लोगों ने उसका सेल का जो पूरा कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं उसको बैलेंस कर लिए। अब उसकी कंसंट्रेशन जो सॉलिड स्टेट में रहेगी उसको 1 उसको छोड़ देते हैं, जो आयन की कंसंट्रेशन सेल रिप्रेजेंटेशन में दी रहती है उसको रख लेते हैं, उसके बाद फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत ही ईजी मेथड से हम लोग समझ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, नीट का मैं क्वेश्चन एक देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन में भी समझे किस तरीके से है। देखिए आयन इलेक्ट्रोड कैडमियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कैडमियम का फॉर्मेशन कर रहा है, इस डाइल्यूटेड 100 टाइम देन कैलकुलेट इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले एक बात जान ले, जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ करें, तो उसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन सुपर ट्रिक है। देखें अगर क्वेश्चन में कहा जाए इफ़ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10^p टाइम, इसको थोड़ा सा अलग क्योंकि इसका यूज़ है ना ट्रिक में, इसको थोड़ा सा पता चले, 10^p टाइम देन रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। देखिए उसके लिए क्या है, E1 ज़्यादा है ना, पहले वाला ज़्यादा रहेगा और दूसरा वाला कम रहेगा, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या होगा, होगा कि 0.0591/N इंटू पी, ये पी है ये। अब इसको देखें, अब यहाँ पर हमको P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखें इस क्वेश्चन में देखें 100 टाइम किया, इसको 10^p में चेंज कर दें तो 10^p में हम इसको चेंज कर देंगे तो ये आएगा। अब इस इक्वेशन में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखें E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0.0591/2, 2 कहाँ से आया, 2 इलेक्ट्रॉन देखो इंटू 2, 10^p में क्या आया है, यही तो 10^p है। देखें इसको 2 से 2 कैंसिल कर लें, अब आंसर क्या आया, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0.0591। अब देखो अगर कह दिया जाए कि ये डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि जब इलेक्ट्रोड किसी भी सोल्यूशन का हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो वो सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज डिक्रीज़ करेगा। आई होप आप लोगों को ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा, और आप लोग हमारे YouTube चैनल पे अगर आप लोगों को बात समझ आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग पर डे एक वीडियो क्लास 11th क्लास 12th की अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।